After months of accepting the new normal that the pandemic brought us and getting bored as fuck, it dawned upon me that I haven't watched a Bollywood movie in like 5 years since I moved to a foreign land. इस नॉस्टैल्जिया के सफर में मैं जबरदस्ती अपना साथी बनाऊंगी मोजो को. इसको वैसे भी कुछ खास करने को है नहीं. और फिर आई डिसाइडेड टू सर्च थ्रू बॉलीवुड मूवीज जो मैंने अभी तक नहीं देखे थे. एंड मोजो, टुडे वी विल बी वॉचिंग राउडी राठौर. सो इट हैपेंस दैट देयर इज विक्रम राठौर जो एक पुलिस ऑफिसर है एंड देयर इज शिवा जो है एक चोर. दोनों की शक्लें मिलती हैं. शिवा एंड हिज साइडकिक टू जी आफ्टर अ हार्ड डे ऑफ वर्क कर रहे हैं लूट का बंटवारा. एंड दैट्स व्हेन ही सीज दिस लेडी वॉकिंग लाइक शी ओन्स द प्लेस. कौन बिना मतलब के स्माइल करते हुए चलता है, इसका कोई इलाज करवाओ. हवा में स्माइल करते हुए चलते चलते इसका बैग हो जाता है चोरी एंड शिवा कम्स टू सेव द डे. बहन इम्प्रेस्ड होकर अपना बायोडेटा दे देती है. मेरा नाम है पारो, मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ, इसीलिए एक अजनबी को अपनी पूरी कहानी सुना रही हूँ. फिर शिवा के डिंगल में होता है जिंगल और वो पारो को करने लगता है स्टॉक एंड रिवील्स दैट ही इज अ चोर. पर एरो, हु इज नॉट एज शार्प एज अ 5th grader, को लगता है दिस इज लो. एरो के कहने पर ही वॉन्ट्स टू क्विट चोरी बट नॉट अंटिल ही मेक्स हिज वन लास्ट स्कोर. तब शावल और टूजी इस ओवरड्रेस दीदी के पिटारे को लेकर होते हैं फरार. लेकिन पिटारे से निकलती है लाश. नो, बच्ची. एंड दे गेट कॉट विद अननोन बच्ची बाय मिस्टर दरोगा हु इज लाइक आई विल बी बैक. नाउ शावल वांट्स टू गेट रिड ऑफ द बच्ची बिकॉज शी इज कॉन्स्टेंटली लाइक, सो ही गोज सर्चिंग फॉर क्लूज अबाउट द बच्ची इन द पिटारा एंड ही फाइंड्स अ फोटो जिससे उसे तब पता चलता है कि बच्ची है उसके डॉपलगैंगर विक्रम राठौड़ की. एंड ही इज लाइक ओके दैट मेक्स सेंस. और इतने में वहां आ जाती है विदाउट एनी RSVP एरो जो विदाउट एनी RSVP साथ में लाई है अपने पेरेंट्स को. एंड शी इज लाइक लायर लायर पैंट्स ऑन फायर. और एक्सप्लेनेशंस जाए भाड़ में क्योंकि बहन को लगता है वो 5वीं पास से तेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के भी घर बिना बताए मत जाओ, स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड के घर, वो भी अपने पेरेंट्स को लेकर. बहन, शायद बंदा घर पे ना हो या फिर बंदे ने नहाया ना हो दिनों से और अपने घर में नंगा घूम रहा हो. मेक प्लान्स बिफोर हैंड, कम ऑन. ऑन द अदर हैंड, कैट रॉड लोगों की पिटाई करते हुए गिर जाता है कचड़े में और उसके सर में होने लगती है दर्द भरी रेव पार्टी क्योंकि प्रीवियस हेड इंजरी के कारण उसे हुआ है ब्रेन हैमरेज और रेव पार्टी का क्योर है पानी. आई डोंट नो, हिज डॉक्टर सेड सो, डोंट जज मी. फिर शवल इज ऑन द रन क्योंकि उसे रास्ते में लोग हथौड़ा लेकर दौड़ा रहे हैं बिकॉज दे थिंक ही इज कैट रॉर. उसे बचाने आते हैं मिस्टर दरोगा, पिटारे वाली दीदी और सस्ता लंगड़ा त्यागी. एंड शवल इज लाइक एंड दे आर लाइक रन फॉर. तभी एंट्री होती है कैट रॉर की जो छत से सब देख रहा था. चमगादड़ मैन की तरह वो नीचे कूदता है. नीचे आकर वो मारता है लंबा मोनोलॉग एंड एवरीवन इज जस्ट लिसनिंग. एंड देन बहुत सारा वायलेंस इन बहुत सारा स्लोमो एंड फिर से हेड इंजरी. एंड एज वी ऑल नो क्योंकि डॉक्टर बाबू ने बोला था अगर वहां पर आपको पानी नहीं मिला होता. फिर मोर वायलेंस व्हाइल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स जस्ट वॉच एंड देन अननेसेसरी. इस फालतू के ड्रामे के बाद सब है हॉस्पिटल में एंड मिस्टर दरोगा टेल्स शावल उसकी जिंदगी झंडे इसीलिए हुई क्योंकि कैट रोर इज खिलाड़ी दरोगा जिसने देवगढ़ में फादर जी एंड सन की लगा दी थी लंका और बदले में फादर जी के भाई टिटला ने उसे तंदूरी चिकन की तरह टांग दिया था. बट दे डिड नॉट नो दैट खिलाड़ी दरोगा वॉज अलाइव. बट नाउ फाइनली खिलाड़ी दरोगा विक्रम कैट रॉड इज नो मोर. सो शवल जाता है देवगढ़ टू फिनिश व्हाट कैट रॉड स्टार्टेड. रिवर्स में एंट्री मार के फादर जी को धमकी देता है कि उसकी वापस से लगाएगा ये लंका ऐसे करके. और फिर फॉर नो राइम और रीजन आ जाती है एरो
who's like, what the fuck? Behan bhool gayi that she's the one who ran away. And then she follows him, almost drowns him. You know, the kind of things we do in love. Yahan shovel, father ji ke thandi ko karwa ke, gaon walon se uske gundon ko pitwa ke, पुलिस थाने में फादर जी के साथ डांडिया खेलता है। वहाँ टिटला, जो सिर्फ बदला लेने के लिए फिल्म में है, एज पर हिज जॉब प्रोफाइल बदला लेने एरो और चिंकी कैटर को उठा लाता है। एंड हियर शी इज लाइक, आई एम बुरु वकम फ्राई फ्राई। ये सब इसकी बकवास सुन क्यों रहे हैं चुप से? तो फाइनली आता है शावल, मशरूम, मेरा मतलब पत्थर सूंघ के, मधुमक्खियों को बेघर करके वहां से फरार हो जाता है। फिर ये पहाड़ों के नीचे से भाग रहे हैं, वहां उन्हें टिटला ऊपर से देख रहा है। फिर वो केबल कार की तरह नीचे आता है और शवल की पिटाई शुरू, और उसे पीटते पीटते वो दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। कैसे वो ऊपर कैसे पहुंचे, ये अब उड़ने भी लग गए। खैर, फिर बहुत सारा एक्शन, एंड एक्शन एक्शन में टिटला manages to bungee jump down from the bridge and comes face to face with Arrow. यहाँ ब्रिज के ऊपर अब भी हो रहा है एक्शन, और वहाँ ब्रिज के नीचे है टिटला, जो दे रहा है धमकी। तभी फादर जी रस्सी के अगले साइड से आता है नीचे, एंड बोथ ब्रदर्स आर लाइक। फिर शवल रस्सी करता है कट और दोनों नीचे होते हैं। वेल यू सी मोजो, After watching this movie, मेरे brain cells थोड़े मर गए हैं। So many questions, but not one answer to them. जैसे, commissioner को कैसे पता नहीं था कि किस officer का transfer हुआ है? और कौन सी police meeting parade के साथ होती है? सस्ता त्यागी is गन्ना वाला। तो वो police के साथ क्या कर रहा है? Is he a part-time हवलदार? जब police वाले 6 महीने से चिंकी का babysitting कर रहे हैं, तो चिंकी मिस्टर दरोगा को देखकर पहचानती क्यों नहीं है? खिलाड़ी दरोगा का डॉक्टर अपडेट देने आता है राइट से, और फिर रूम में ले जाता है लेफ्ट की तरफ। आखिर रूम है किस डायरेक्शन में? पूरा गांव हर बार तमाशा देखने कैसे आ जाते हैं? यहाँ कोई काम नहीं करता क्या? या फिर इनको तंदूरी बनते हुए देखने का काफी शौक है? एंड मेनी मोर सच क्वेश्चंस, बट लाइक आई सेड, शायद मुझे भी ब्रेन हैमरेज हो गया होगा। मेरी इन सवालों का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आप लोगों के भी अंदर इस मूवी से ऐसे कोई सवाल उठे हैं, देन प्लीज राइट देम डाउन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम। ए, हाँ बोल। तुम्हें पता है ना, ये चिंता का मतलब, ताता का मतलब, चिता का मतलब वो नहीं जो तूने बोला? हाँ पता है, लेकिन तेरे को क्या उससे? तूने झूठ क्यों बोला? मसाला मूवी या डॉक्यूमेंट्री नहीं, चुप से नाच। बहुत प्रैक्टिस किया इस मिर्गी वाले डांस करने के लिए। हाँ सही बात है।